नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इस ब्लाउज का फिटिंग देख लीजिएगा। इस ब्लाउज का कटिंग वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आपने इस ब्लाउज का कटिंग वीडियो नहीं देखा तो अभी की अभी देख लो। कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस ब्लाउज की कटिंग वीडियो पे मैंने आपको समझाया ब्लाउज का पीछे का गला फ्रंट की तरफ क्यों झुकने लगते हैं, आपका जो बास्ट पॉइंट वो पीछे की तरफ क्यों जाते हैं। तो पूरा मैंने जितना भी पॉइंट है पूरा मैंने कटिंग करते वक्त स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था। वीडियो को पूरा देख लेना। अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना तब आपकी डबल कटेड ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपके ब्लाउज का शोल्डर भी नहीं गिरेगा और पीछे का गला भी आगे की तरफ नहीं झुकेगा। और इस ब्लाउज का फ्रंट पे आप देख लो और बैक साइड भी थोड़ा सा देख लो, फिटिंग्स कितना अच्छा हुआ है। देख लो यहाँ पे कितना ज़्यादा डीप है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है, फिर भी इस ब्लाउज का शोल्डर नहीं गिर रहा है। कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपका हुआ है शोल्डर के साथ। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और इस ब्लाउज का जो कटिंग वीडियो वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि कटिंग वीडियो अगर आप नहीं देखोगे उस टाइम पे सिलाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोटे सा स्माइल के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ब्लाउज का फैब्रिक काट किया था सेम तरीके से यहाँ पे अस्तर कटिंग हो गया है। अभी यहाँ पे क्या करना है, पहले ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर दोनों बराबर चारों ओर घुमा के हमें सिलाई कर लेना है। जितना भी था पूरा मैंने यहाँ पे काट कर लिया। आप चाहो तो इसमें इनविजिबल सिलाई भी कर सकते हो। तो इनविजिबल सिलाई कैसे करना है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लेना। पहले मैं ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर बराबर मिला लूंगी। जो लोग न्यू हो उनको मैं बोलूंगी आप पहले इस तरीके से बराबर मिला लीजिएगा। जब आप ऐसे मिला लोगे ना उसके बाद जब सिलाई करोगे उस टाइम पे आपका ब्लाउज पे कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं होगा। बराबर पहले मिला के रखो और जो साइड का पार्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। देखिए इसको भी इस तरीके से रख दीजिए। देखना यहाँ पे गलती से कोई कोई क्या करते हैं, इस तरीके से मिला लेते हैं। देखिए एक पार्ट को ऐसे देते हैं, ये आपका गलत होता है। यहाँ पे ये जो है ना ये है आर्म होल और ये होता है कॉटरी साइड पे। आप चाहो तो काटिंग करते टाइम यहाँ पे निशाना लगा के रख सकते हो, पहले नंबर 1 2 3 और यहाँ पे निशाना लगा के रख सकते हो, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। उस टाइम पे सिलाई करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पे इनविजिबल सिलाई नहीं लगाऊंगी जिसके कारण पहले जितना भी है ब्लाउज का फेब्रिक और अस्तर चारों ओर घुमा के अलग अलग मैं पहले सिलाई लगा लूंगी। देखिए मैंने पूरा सिलाई लगा लिया अस्तर और ब्लाउज का फेब्रिक और बैक पार्ट पे मैंने कमर पे टक्स भी लगा लिया। जितने भी पार्ट है देखिए पूरा सिलाई हो गया है और मैं अस्तर हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा करके काटिंग करती हूँ। इस तरह से काटिंग करने से क्या होता है, धुलाई करने के बाद ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर दोनों बराबर रहता है। नहीं तो क्या होता है, अस्तर हल्का छोटा होने से धुलाई के बाद अस्तर अंदर की तरफ से और भी छोटा होता है और बाहर की साइड से बहुत ज़्यादा आपका फैब्रिक पर फूलन होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। अभी हमें सिलाई करना है। सिलाई पर देखिए ज़्यादातर लोग एक गलती कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो चौड़ा पार्ट है ना ये इस साइड पे रखना है, जो यहाँ पे कम चौड़ाई वाला है ये इस साइड पे रखना है हुक और आई के साथ। तो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, ये गलती नहीं करना है। और दूसरा देखिए और एक बात, यहाँ पे और एक गलती क्या करते हैं, जो नीचे का जो पार्ट है ना ये नीचे का जो साइड है ना ये ऊपर की तरफ ऐसे लगा लेते हैं। जब ऐसे होता है ना तब भी आपका ब्लाउज का फिटिंग पूरा खराब होगा। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ सिलाई का वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी डिजाइन का ब्लाउज हो सिलाई का वीडियो आपको जरूर देखना है। अभी यहाँ पे इस तरीके से बराबर मिलाना है, दोनों पार्ट को बराबर मिला लो। अभी सिलाई करते टाइम हमें यहाँ से करना है, इस सेट से कभी भी नहीं करना है। इस सेट पे बराबर करने के बाद यहाँ पे कम ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम ज्यादा नहीं होना है, इसलिए हमेशा यहाँ से सिलाई करते हुए आपको यहाँ तक लेके आना है। देखिए यहाँ पे सिलाई मैंने लगा लिया, सिलाई के बाद देखिए यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक ज्यादा हुआ है, जितना ज्यादा है इसको इस तरीके से काट कर लेना, बराबर हो गया है। अभी इसको ऐसे पलट लेना है, यहाँ पे जरूर आपको पीकू कर लेना है। दोनों पॉइंट यहाँ पे सिलाई का जो दोनों पॉइंट है ना बिल्कुल बराबर करना है, यहाँ पे कम ज़्यादा है नहीं देखना है, सिर्फ आपको पॉइंट बराबर रखना है।
बराबर रखने के बाद यहाँ पे आपको तिरछा करके सिलाई देना है। अब यहाँ पे आपको 1/4 इसका टक्स लेना है, ऐसे तिरछा करके देना है। जिन लोगों का फुल बास्ट बिल्कुल ही नहीं है वो यहाँ पे हाफ इंच दीजिएगा, नहीं तो कोई भी साइज का हो आप 1/4 इसका यहाँ पे रख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये सिलाई तिरछा करके मैंने लगा लिया। अभी यहाँ पे देखिए ये जो साइड पार्ट है ये लेना है, पहले बराबर ऐसे मिला के रख देना है, जरूर आपको पहले चेक करके देखना है उसके बाद सिलाई करना है। अभी देखिए जो पार्ट है यहाँ पे रखना है, इस साइड पे हल्का सा आपको तिरछा करना है। देखिए थोड़ा सा ये जो कटोरी का पार्ट है ना इसका हल्का सा बाहर की तरफ ऐसे रखना है, फिर यहाँ पे तिरछा करके इसको सिलाई कीजिएगा। उतना ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा रखने के बाद तिरछा करके यहाँ पे सिलाई करते हुए लेके आना है। कटोरी के मिडल का जो सिलाई है इसको ऊपर की तरफ ऐसे उठा के देना है। देखिए तिरछा करके देने से क्या होता है, ऐसे पलटने के बाद नेक का जो ये फैब्रिक है ना दोनों देखिए बिल्कुल बराबर होता है, नहीं तो यहाँ पे हल्का सा ऊपर नीचे होता है, इसलिए तिरछा करके आपको देना है। अभी देखिए बेल्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है। इस सेट पे बिल्कुल यहाँ से आपको यहाँ तक 1/4 इंच का लेना है, 1/4 इंच, और बिग साइज के लिए आपको 1 इंच लेना है, और हेवी साइज के लिए 1 इंच या 2 सूत या हाफ इंच आपको रख देना है। मिडल पे आपको 1/3 इंच देना है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल आपको चिपका हुआ फिटिंग चाहिए ब्रा की तरह, उस टाइम पे 1/2 इंच लेना है, नहीं तो आप यहाँ पे 2 इंच रख दीजिएगा। अभी बेल को देखिए हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पे आपको मिलाना है, इस तरीके से सिलाई करते हुए यहाँ पे इस तरीके से होगा। अभी यहाँ पे बैक पार्ट लेना है, देखिए जो बैक पार्ट है ना इसको साइड पे रखना है, देखिए यहाँ पे बराबर करना है। फिर यहाँ पे देखिए बैक पार्ट के हिसाब से इसका लंबाई ज़्यादा है, इतना तक लंबाई यहाँ पे ज़्यादा है, तो जितना यहाँ पे ज़्यादा है इसी फैब्रिक से मैं कमर पट्टी सिलाई कर लूँगी। अलग से कमर पट्टी सिलने का फ्रंट पार्ट पे कोई भी जरूरी नहीं होगा, इसी फैब्रिक से मेरा पट्टी तैयार हो जाएगा। सिर्फ बैक पे मैं कमर पे अलग से पट्टी लगा लूंगी, क्योंकि काटिंग करते वक्त मैंने इसका चौड़ाई ज़्यादा लिया था। ये 3.5 इंच लेने से नॉर्मली हो जाते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया। देखिए मैंने कितना लिया था, 4 लगभग 4.5 इंच यहाँ पे मैंने रख दिया था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेने से यही फायदा होता है, अलग से कमर पट्टी सिलने का जरूरी नहीं होता है। इसमें देखिए जो एक्स्ट्रा है बाद में मैं काट लूंगी, अभी पहले मैं बेल्ट सिलाई कर लेती हूँ। इसमें जो टैक्स है ना इसको पीछे की तरफ ऐसे तिरछा करके ऐसे देना है, देखिए अभी हमें आई पट्टी सिलाई करना है। हुक पट्टी आई पट्टी दोनों सिलाई कर लेना है। आई पट्टी हमेशा आपको चौड़ा करके लेना है, लगभग 3.5 इंच से 4 इंच या हो सके थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, और हुक पट्टी आपको 1.5 इंच लेने से हो जाएगा। कॉटरी की जो सिलाई है इसको ऊपर की तरफ रखना है, ये होता है हुक पट्टी। हुक पट्टी देखिए ज़्यादा चौड़ा नहीं देना है और बाहर की साइड से आपको सिलाई करना है। इसमें जो एक्स्ट्रा है यह भी काट कर लेना है।
दोस्तों बीच में आपके साथ और एक बात शेयर करना चाहूंगी। आप लोग कौन कहां से मेरे वीडियो देख रहे हो कमेंट में जरूर लिख देना। जब आप लोग कमेंट में लिखते हो कौन कहां से मेरे वीडियो देखते हो तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों का प्यार इस तरीके से हमेशा बरकरार रखिएगा। अभी बैक और फ्रंट का शोल्डर ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए सिलाई करते टाइम जो नेक साइड है ना, नेक साइड पे हल्का सा आपको डाउन करके देना है, आर्म साइड पे नहीं, यहाँ पे हल्का सा डाउन करना है। तब क्या होता है, जब बैक साइड पे डोरी नहीं होता है तब फिटिंग बहुत ही अच्छा होता है। अभी नेक पे अलग से हमें पट्टी सिलाई करना है, इसके लिए आपको उरे पट्टी लेना है। ऐसे ही पूरा सिलाई कर लेना है। फोटी पे सिलाई हो गया है, अभी इसको फोल्ड करके और एक सिलाई देना है। इस तरीके से सिलाई करने से तुरपाई करने में बहुत ही इजी होता है। जिनको ये सिलाई देने में दिक्कत होता है वो लोग चाहो तो डायरेक्ट तुरपाई लगा सकते हो। अभी हमें स्लीव ज्वाइन करना है। स्लीव ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे जो हल्का सा फेब्रिक एक्स्ट्रा है फ्रंट का, इसको काट कर बराबर कर लेना है। हो गया, बिल्कुल मिडल में से हमें स्लीव्स लेना है। स्लीव्स का भी मिडल हमें काट कर लेना है। अभी देखिए बैक पार्ट पे हमें अलग से कमर पट्टी सिलाई कर लेना है, फ्रंट पे हमें नहीं चाहिए। अभी हमें आर्महोल का दोनों सिलाई, स्लीव्स का दोनों सिलाई बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ से फ्रंट और बैक का ज्वाइन करना है। अभी देखिए बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करना है, जितना तक कमर पट्टी है उसी हिसाब से इसको भी सीधा करके ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए बिल्कुल बराबर मैंने मिला लिया, यहाँ से हल्का सा फोल्ड करके सीधा सिलाई करते हुए हमें लेके आना है। दोबारा से बैक के हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करना है। पहले जो पार्ट सिलाई किया इसको ऐसे रखना है, रखने के बाद दोनों को बराबर यहाँ पे करना है, चेक करके देखना है दोनों का लंबाई हमें बराबर रखना है। देखिए यहाँ पे बराबर मैंने कर लिया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे जितना फोल्ड हुआ है उसी हिसाब से निशाना लगा देना है, नहीं तो आपका यहाँ पे एक पार्ट लंबा एक पार्ट छोटा होगा। इसको ऐसे ले लो, हो गया है। अभी यहाँ पे सीधा सिलाई कर लेना है। अभी हमें फिटिंग्स लगा लेना है। फिटिंग्स लगाते वक्त कमर पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जितना आपको चाहिए उतना ही रखना है। और अपर चेस्ट में आपको हाफ पीस एक्स्ट्रा लेना है स्मॉल साइज के लिए, और बिग साइज के लिए आपको 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मुहूरी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अपने हिसाब से रखना है, बाकी आपको काट कर लेना है। पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी तुरपाई करना है, हुक और आई तैयार करना है। तो पहले वो तैयार कर लेते हूँ, उसके बाद देख लीजिएगा। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, तुरपाई भी यहाँ पे मैंने कर लिया, हुक और आई भी तैयार हो गया है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे देख सकते हो, और मैंने हल्का सा आयरन भी लगा लिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है किस तरीके से ये ब्लाउज कटिंग करना है और सिलाई करना है आपको समझ में आया होगा।
अगर कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल की घंटी पे क्लिक करना ना भूले मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको काटिंग और सिलाई समझाया, अगर आप सेम तरीके से करते हो उस टाइम पे आपकी ब्लाउज मेरी तरह इतना परफेक्ट फिटिंग्स हो सके। लेकिन अगर आपने वीडियो को बीच बीच में स्किप कर दिया उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आप मिस कर दोगे, जिसके कारण मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बिना स्किप करके देखेगा तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको।